नमस्कार दोस्तों, आज हम सूजी का इंस्टेंट ढोकला बनाना सीखेंगे। आइए, ये देखो, हमने एक कटोरी चीनी सूजी ले ली है। ये देखो, हमने एक कटोरी सूजी डाल दी है और इसमें हम एक चम्मच चीनी और एक चम्मच ही हम नमक ऐड करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने नमक और चीनी इसमें ऐड कर दी है। अब इसमें हम एक कटोरी दही ऐड करेंगे। ये देखो, हमने दही ले लिया है। अब इसमें हम दही को डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको मिलाने के लिए हमें इसमें पानी भी ऐड करना पड़ेगा। देखिए, हमने पानी ले लिया है और हम इसको पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए, चलाते हुए हमने पूरे डो को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमारा सूजी और दही आपस में बिल्कुल एक सार हो चुके हैं। अब इनको हम थोड़ी देर के लिए ढक के रख देते हैं। देखिए, हमने इसमें ढक्कन लगा दिया है 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद इसमें हम थोड़ी सी रेड चिली डालेंगे। ये देखिए, हमने थोड़ी सी रेड चिली ऐड कर दी है। अब इसके बाद हम इसमें एक थाली में ऑयल लगा के रख लेंगे। देखिए, हमने थाली में तेल लगा लिया है और हमने इधर गरम करने के लिए पानी चढ़ा रखा है। अब इसमें हम एक चम्मच खाने वाला सोडा मिक्स कर रहे हैं। आपके पास इनो है तो आप इनो भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा पानी डाल के। अब हम पूरे डो को अच्छी तरह से चलाएंगे जिससे ये सोडा पूरे उसमें मिक्स हो जाए। तो देखिए, अच्छी तरह से डो हमारा फूल रहा है। अब इसको हमें ज्यादा नहीं चलाना है। हमने थाली जो रखी है उस थाली में इसको हम डाल देते हैं। ये देखिए, हमने सारा डो इस थाली में डाल दिया है। ये देखो, हमारी थाली में डो भर चुका है। ये पानी में हमारे उबाल आ रही है, इसी कढ़ाई के पानी में स्टीम के लिए इसको हम रख देते हैं ढक के। ये देखिए, 10 से 15 मिनट में ये हमारा ढोकला बनके तैयार हो चुका है। देखिए, हमने इसको टेस्ट कर लिया है और चाकू इसमें डाल के देखा तो चाकू एकदम फ्रेश निकल रही है। इसका मतलब ढोकला हमारा पूरी तरह से रेडी है। ये देखिए, इसको हम ठंडा करने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे। ठंडा होने के बाद इसको हम चाकू की सहायता से छोटे छोटे पीसों में काट लेंगे। देखिए, हमने छोटे छोटे पीस करके इसको अच्छी तरह से काट लिया है। ये काटने पर पता चल रहा है कितना सॉफ्ट बना है। एकदम मुलायम जालीदार ढोकला हमारा तैयार हुआ है, बहुत ही जल्दी बनने वाला ढोकला। देखिए, काटने से भी पता चल जाता है कि ढोकला कितना सॉफ्ट है। देखिए, हमने सारे पीस अच्छी तरह से काट लिए हैं। ये देखिए, ढोकला आप भी हमेशा बनाते भी होंगे और बनाइए। ये देखिए, हमने तड़के के लिए कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। इसमें अब हम थोड़ी सी राई, थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ी सी कड़ी पत्ता। हमने ये देखो राई डाल दिया है। जब राई तड़क जाएगी, राई हमारी तड़कने लगी है। ये देखिए, राई हमारी अच्छी तरह से पक रही है। अब इसमें हम कड़ी पत्ता डालेंगे। ये देखो, हमने कड़ी पत्ते भी डाल दिए। इसमें हरी मिर्च भी डाल देना है। अब हमारी हरी मिर्च का देखो थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है। अब हम कढ़ाई गैस को ऑफ कर देते हैं और तड़का हमारा तैयार है।
अब हम इस तड़के को जो थाली में है, हमारे पास ढोकला है, उसमें हम धीरे धीरे करके पूरी थाली में डालेंगे। देखिए हम इस तड़के को पूरी थाली में फैला देंगे। आराम से डालना है जिससे कि पूरी थाली में पड़ सके। देखो हमने तड़का पूरा डाल दिया है। अब इसमें हम जो थाली में ढोकला है इसमें थोड़ी सी हरी धनिया डालेंगे। हरी धनिया आप अपनी मर्जी के अनुसार डालिए। ये देखो ढोकला हमारा प्लेटिंग के लिए तैयार है। हम दिखाते हैं आपको कि ढोकला कितना सॉफ्टी बना है। ये देखिए बिल्कुल जालीदार ढोकला तैयार हुआ है, बहुत ही कम समय में और बिल्कुल सॉफ्ट ढोकला तैयार हुआ है। ये देखिए अब हम प्लेटिंग करते हैं। हमने हरी चटनी बना रखी है। हम ये देखिए आप चाहे तो हरी मिर्च के साथ खा सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप चाहे तो हरी चटनी के साथ खा सकते हैं, लेकिन आप ढोकला बनाइए जरूर।